कैसे हैं आप सब। एक बार फिर खान किचन में आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मज़ेदार से खट्टे से आलू। और ये आलू जो है ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी आप लोगों के लिए, और जो है ना बहुत ही मज़ेदार किस्म के होते हैं ये आलू। आप लोग बनाइएगा, इसे बॉयल्ड राइस के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये आलू। तो ऐसी डिश है कि छोटे बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। तो आइए चलते हैं इस रेसिपी में। ये आलू जो ऐड किए हैं मैंने, तकरीबन 5 दरमियाने किस्म के आलू हैं जिनको मैंने इस तरह कट कर लिए। ये ना ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटे कटे हुए, इस तरह के आप आलूओं की शेप काट देंगे। और ये है इमली का पल्प जो तकरीबन 1/2 कटोरी है। और ये है 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर। और ये कुछ मसाले हैं जिसमें 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया है, सूखा धनिया, और 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर है, 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक है, और 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर है। तो ये कुछ मसाले हैं जो इसमें ऐड होंगे। और ये है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन। ये देख लें, ये बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आधी गड्डी हरे धनिए की है और आधी ही गड्डी इसमें पुदीने की है, और 6 से 7 इसमें लहसुन है, और 8 से 9 इसमें हरी मिर्चें हैं, जिसमें 2 इसमें बड़ी हरी मिर्चें हैं, बाकी इसमें बारीक वाली ये छोटी हरी मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका मसाला किस तरह रेडी होगा और हम इसको रेडी किस तरह करेंगे। ये ग्लेंडर मैंने ले लिया है, जग उसका। अब उसमें मैं ये तमाम चीज़ें ऐड कर दूँगी। ये इमली का पल्प गया, ये टमाटर भी इसमें ऐड हो गए, ये तमाम मसाले इसमें गए, और ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन। अब मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी। ये होगा आलूओं का मसाला जो रेडी करना है, जिसमें था इमली का पल्प और जो है वो तमाम मसाले, और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक का। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने 6 टेबलस्पून ऑयल रख दिया है गर्म करने के लिए। अब मैं इसमें तमाम कटे हुए आलू ऐड कर दूँगी। ये आलू इसमें डाल दें, आलू ऐड करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये मसाला मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है। ये कुछ इस तरीके का होगा, इस तरह इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, इसको मैंने इमली के पल्प के साथ ही इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड किया है। ये इस तरीके का होना चाहिए। देखें व्यूअर्स, जब ये इस तरीके के हो जाएं ये आलू, तो हम इसमें वो मसाला ऐड कर देंगे जो हमने ग्राइंडर में ग्राइंड किया था। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, और जब ये रेडी हो जाएंगे तो मैं इसको आपको डिश आउट करके बताऊंगी बॉयल्ड राइस के साथ कि इसको किस तरह सर्व करते हैं। तो ये बॉयल्ड राइस के साथ ही आप बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी किस्म के बनते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी फाइनल लुक इस तरीके की होगी कुछ, ये देखें। और ये देखें, आलू बिल्कुल गल गए हैं, ये देखें बिल्कुल आलू गल गए। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, और ये मज़ेदार से आलू रेडी हो गए हैं। और मैंने दूसरी साइड पर जो है चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब जब मैं इसे प्लेटर में निकालूंगी तो मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी
कि ये किस तरह आप सर्व कर सकते हैं इसे, और इसको राइस के साथ ही सर्व कीजिएगा और इसको बनाइएगा, खाइएगा, फिर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये आलू चावल की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए व्यूवर्स, मेरी प्लेट जो मैंने वो की थी वो रेडी हो गई है, तैयार किया था जो आलू चावल वो रेडी हो गए हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं। आप भी इसी तरह की सर्विंग करके अपनी प्लेट खूबसूरत कर सकते हैं। आम से खाने को भी आप अगर इस तरह खूबसूरती से डेकोरेट करें तो वो खाने में बहुत ही लजीज हो जाते हैं। ये देखें, ये आलू चावल आप इस तरह, इसके साथ आप दही का रायता भी बना सकते हैं, अचार के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये आलू चावल। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।